प्रिय छात्रों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 8 विषय विज्ञान में जो इकाई 1 है जिसका नाम विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति, इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पूर्व की भांति आपको किताब लेना है और उसमें से अभ्यास प्रश्नों को देखना है। पहला प्रश्न बहुविकल्पीय होता है, आपको मालूम है। पहला जो प्रश्न होता है उस प्रश्न के 4 उत्तर दिए होते हैं, किसी एक उत्तर को आपको चुनकर लिखना होता है। अब इसी क्रम में पहले प्रश्न का जो क है उसको आप लोग देखेंगे। प्रश्न है आधुनिक संचार का माध्यम है, प्रश्न है आधुनिक संचार का माध्यम है, ये प्रश्न है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, अ, ब, स और द। इन विकल्पों को हम लिख रहे हैं, आप भी अपने किताब से देखेंगे। पहला है इंटरनेट, इंटरनेट। दूसरा है पत्र। तीसरा है कबूतर और चौथा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। प्रिय छात्रों, सभी प्रश्नों को हम लिखेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। एक प्रश्न को हम लिखकर आपको समझा दे रहे हैं, बाकी अन्य प्रश्नों को भी आप लोग ऐसे ही लिखेंगे और अपने कॉपी पर अंकित करेंगे। अब देखिए पहले प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। प्रश्न है आधुनिक संचार का माध्यम है, इस समय संचार का माध्यम क्या है उसको लिखना है। उसका उत्तर हम लोग ऐसे लिखेंगे, इंटरनेट, पत्र, कबूतर, इनमें से कोई नहीं। अब आप विचार करिए, इस परिवेश में कोई चिट्ठी भेजता है? नहीं भेजता है। मैसेज करता है, ईमेल करता है। कबूतर से किसी सूचना का आदान प्रदान होता है? नहीं होता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अ और इसका हो जाएगा इंटरनेट। आप लोग अपने कॉपी में ऐसे ही लिखेंगे, पहले प्रश्न का उत्तर हो गया और इंटरनेट। अब ख प्रश्न की बात हम करेंगे। प्रश्न ख क्या है इसको आप लोग किताब से देखेंगे और इसके उत्तर पर हम लोग विचार करेंगे। प्रश्न ख है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो इसमें जो है 4 विकल्प दिया है, आप भी अपने किताब में देखेंगे। डॉक्टर हार्वर्ड माइकल, आर्यभट्ट, विक्रम, डॉक्टर विक्रम साराभाई, इनमें से कोई नहीं। तो जब इस पाठ को हम बता रहे थे तो आपको बताए थे कि आधुनिक भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। यह तीसरे नंबर पे है, यह उत्तर जो है तीसरे नंबर पे है। ये एक है, अ ब नहीं दिया है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। यह 2 है और यह 3 है और ये जो है 4 है। इसका उत्तर पहला है। अब इसमें दिया है 4 विकल्प, तीसरे नंबर पे डॉक्टर विक्रम साराभाई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा, डॉक्टर विक्रम सारा भाई। यह दूसरे का उत्तर हो गया। ऐसे ही हम लोग पहले प्रश्न के
ग प्रश्न का उत्तर देंगे, वह क्या है आप लोग अपने किताब में देखेंगे, हम भी आपको बताएंगे। ग प्रश्न, ग है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का प्रारंभ कब हुआ। ग का उत्तर लिखेंगे हम लोग, ICT का प्रारंभ जो है 2004 में हुआ, यह विकल्प दो सही है, तो इसका उत्तर लिखेंगे 2004 में। पहला प्रश्न को जिस तरह से हम लिखे थे वैसे ही आपको लिखना है, प्रश्न को अपने किताब से देखकर लिख लेना है और उत्तर लिखना है 2004 में। उसके बाद से अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न नंबर घ क्या कह रहा है, तो प्रश्न घ कह रहा है ऊर्जा के नवीकरण स्रोत हैं, ऊर्जा के नवीकरण स्रोत कौन कौन से हैं, इस पाठ को हम लोग पढ़े थे तो हम बताए थे आपको। अब इसमें विकल्प देखिए, पेट्रोल, डीजल, LPG, सौर ऊर्जा। नवीकरण स्रोत का मतलब हम आपको बताए थे, वह स्रोत जो क्षयित नहीं होते हैं, समाप्त नहीं होते हैं, ऊर्जा के नवीकरण स्रोत कहलाते हैं। तो सौर ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो समाप्त नहीं होगी, तो ऊर्जा का नवीकरण स्रोत जो है इसका उत्तर हो जाएगा चौथा, इसमें लिख देंगे सौर ऊर्जा। प्रश्नों को आप लोगों को किताब से देखकर निश्चित ही लिखना है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, जो है खाली स्थान की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान को भरिए। प्रश्न दो है, खाली स्थान को भरिए। इसमें क है व्यापार का अर्थ है, व्यापार का अर्थ है, और दो इसमें भरना है। उसके बाद ख है, पहला भरना है, दूसरा भरना है तथा तीसरा भरना है, परिवहन के नवीन साधन है, परिवहन के नवीन साधन हैं, ये हो गया। उसके बाद ग प्रश्न को देखिए क्या है, ग है स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट आदि। उसके बाद खाली स्थान है, कंपनियां हैं, कंपनियां हैं, उसके बाद अगला है घ ICT योजना का आरंभ, आरंभ। खाली स्थान हुआ था, हुआ था, ये हो गया। उसके बाद अंग है जिसको देखेंगे 3G और 4G, 4G, 3G और 4G के साधन हैं, खाली स्थान के साधन हैं। अब यह रिक्त स्थानों की
पूर्ति वाला प्रश्न है। अब ध्यान से पहले को देखिए, व्यापार का अर्थ है, व्यापार में हम किसी सामान को खरीदते हैं और बेचते हैं, यहाँ भरेंगे क्रय और विक्रय, ये पहला हो गया। दूसरे में खाली स्थान तथा खाली स्थान परिवहन के नवीन साधन है, तो यहाँ भरेंगे हम लोग मोनो रेल, बुलेट ट्रेन और मेट्रो रेल, ये सभी जो है परिवहन के नवीन साधन हैं। अब स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि जो हैं ई व्यवसाय करती हैं, इंटरनेट के माध्यम से व्यवसाय करती हैं, तो इसको लिख देंगे ऑनलाइन कंपनियां हैं। अब आईसीटी योजना का आरंभ अभी आप लोग पढ़े हैं, 2004 में हुआ था, 2004 में हुआ था अब 3G और 4G जो हैं यह मोबाइल के साधन हैं, तो यहाँ भर देंगे मोबाइल। ये आपका दूसरा प्रश्न था। अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है इसको जानेंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो तीसरा है, ये आपका इधर है स्तंभ, आप लोग किताब में भी देखेंगे क और यहाँ हो जाएगा स्तंभ ख। क में क्या क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। दूसरा है आई सी टी। तीसरा है IRS। चौथा है रक्षा एवं प्रतिरक्षा। और पांचवा है भूरी क्रांति। ये है क ख ग घ अंग। अब स्तंभ ख में क्या है, DRDO। उसके बाद है उर्वरक के क्षेत्र में, उर्वरक के क्षेत्र के बाद है शिक्षा के स्तर में सुधार। उसके बाद है संचार का साधन। उसके बाद है भारतीय संवेदन उपग्रह। प्रिय छात्रों, अब हम लोग इसका मिलान करेंगे और देखेंगे कि किस शब्द का स्तंभ क का जो कौन सा शब्द है जिसका ख से मिलान हो रहा है,
उसको देखेंगे। यह आपका अ है, ये ब, स, द और ये हो गया यह। पहला है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब हुआ ये संचार का एक साधन है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को हम मिला देंगे संचार के साधन से, ये इस तरह से मिल जाएगा। फिर से आईसीटी जो है वह शिक्षा के स्तर में सुधार है, तो इसको हम इससे मिला देंगे। उसके बाद से आईआरएस जो है एक भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह है, तो इसको जो है हम इससे मिला देंगे। अब जो है रक्षा प्रतिरक्षा को डीआरडीओ हम कहते हैं, तो इससे मिला देंगे। और भूरी क्रांति का मतलब होता है उर्वरक के क्षेत्र में, तो इसको मिला देंगे। यह मिलान था। अब हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 क्या है उसके तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न चार में क से लेके 6 तक प्रश्न हैं। प्रश्न 4 का क, अब इसमें कह रहा है आपको जो है एक शब्द में उत्तर देना है। तो क प्रश्न सुनिए ध्यान से, राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था, तो क का उत्तर हो जाएगा 1962 में, 1962 में क का उत्तर हो गया। ख प्रश्न है जिसको ध्यान से सुनेंगे, ख है प्रक्षेपात्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिस मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया उसका नाम है सुपरसोनिक मिसाइल, आकाश मिसाइल, तो इसका हो जाएगा उत्तर आकाश मिसाइल। प्रिय छात्रों, प्रश्नों को आपको अपने पाठ्य पुस्तक से देखकर लिखना है, और उसके नीचे यानी ये प्रश्न ख है तो यहाँ पर आप अपने किताब से प्रश्न को लिखेंगे और ठीक इसके नीचे इसके उत्तर को लिखेंगे। अब जो है ग प्रश्न देखिए क्या है। ग है 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत क्या थे, तो 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के जो स्रोत थे आपको भी पता है वह पवन ऊर्जा था, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये 20वीं सदी के सर्वाधिक ऊर्जा के स्रोत थे। अब घ प्रश्न को देखिए, प्रश्न आप लोग हम बारंबार कह रहे हैं प्रश्नों को आपको अपने किताब से देखकर लिखना है और उत्तर यह लिखना है। घ है व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीक कौन सी है, तो इसका हो जाएगा उत्तर ई कॉमर्स या ई व्यवसाय। अब ये घ प्रश्न था, इसके बाद से हम लोग फिर से अंग प्रश्न पर ध्यान देंगे। अंग प्रश्न देखिए क्या है, NEGP की शुरुआत कब हुई थी। अंग प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा NEGP की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका शुरुआत 18 मई 2006 में हुआ था, 18 मई 2006। इसके बाद से च प्रश्न को देखिए क्या है,
चौथा प्रश्न है भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है, तो आप लिख देंगे इसके उत्तर में यह नवीकरणीय ऊर्जा है, लिख देंगे नवीकरणीय ऊर्जा। अब प्रश्न नंबर चार का जो अंतिम प्रश्न है, छ प्रश्न, इसको देखिए क्या है, तो छ प्रश्न है इसरो का गठन कब हुआ था, तो इसरो का गठन 1969 ईस्वी में 1969 में हुआ था। इस तरह से ये प्रश्न चार समाप्त हुआ। प्रिय छात्रों, प्रश्न को आपको अपने किताब से देखकर लिखना है और यह उसके नीचे